हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम WWE की दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स रोमन रेक्स और रॉक को कंपेयर करेंगे और ये जानेंगे कि इन दोनों भाइयों में से ज्यादा अच्छा सुपरस्टार कौन है। वीडियो के अंत तक आपको पता लग जाएगा कि इन दोनों में से कौन है बेस्ट, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे रेसलिंग पीडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाकर मेरी किसी भी वीडियो को मिस मत करिए। रॉक का असली नाम है ड्वेन डगलस जॉनसन और उनका जन्म 2 मई 1972 में हुआ था। रॉक की उम्र 2019 में 47 साल हो चुकी है। रोमन रेक्स का असली नाम है लेटी जोसेफ जोअनोवा और उनका जन्म 25 मई 1985 को हुआ था। रोमन रेक्स की उम्र 2019 में 34 साल हो चुकी है, यानी कि रॉक रोमन रेक्स से 15 साल बड़े हैं। रोमन रेक्स की हाइट है 6 फुट 3 इंच और उनका वेट है 120 किलोग्राम। रोमन रेक्स के चेस्ट का साइज है 52 इंच और उनके बाइसेप का साइज है 20 इंच। रॉक की हाइट है 6 फुट 2 इंच और उनका वेट है 119 किलोग्राम। रॉक के चेस्ट का साइज है 50 इंच और उनके बाइसेप का साइज है 23 इंच, यानी कि रोमन रेक्स हाइट और चेस्ट में रॉक से ज्यादा है, लेकिन रॉक बाइसेप में रोमन रेक्स से ज्यादा है। रॉक ने प्रोफेशनल रेसिंग में अपना डेब्यू दिया 1996 में WWE में, जो उस समय WWF यानी कि वर्ल्ड रेसिंग फेडरेशन हुआ करता था। और रोमन रेक्स ने प्रोफेशनल रेसिंग में डेब्यू किया था 2010 में फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग यानी कि FCW में। रोमन रेक्स ने जब FCW में डेब्यू दिया था तो उन्होंने सबसे पहले 15 मैन बैटल रॉयल मैच में फाइट किया, जिसमें वो नहीं जीत पाए। और वहीं रॉक ने जब WWF में डेब्यू किया था तो उन्होंने सबसे पहले 8 मैन एलिमिनेशन टैग मैच में कम्पीट किया और वो ना सिर्फ अपने डेब्यू मैच में जीत गए बल्कि उनकी टीम में वो अकेले सर्वाइवर भी बचे। रॉक का पहला रेसलमेनिया मैच हुआ था रेसलमेनिया 13 में द सुल्तान से और रॉक अपने फर्स्ट रेसलमेनिया मैच में जीत गए थे। वहीं रोमन रेक्स का पहला रेसलमेनिया मैच हुआ रेसलमेनिया 29 में, जहां रोमन रेक्स ने 6 मैन टैग मैच में कम्पीट किया और रोमन रेक्स भी उनके फर्स्ट रेसलमेनिया मैच में जीत गए थे। रोमन रेक्स ने WWE में पहला टाइटल जीता एक्सट्रीम रूल्स 2013 में। रोमन रेक्स ने इस पेपरव्यू में सेथ रॉलिंस के साथ टीम अप करके टैग टीम चैंपियनशिप जीत ली। और वहीं रॉक ने WWE में पहला टाइटल जीता 13 फरवरी 1997 को रॉ के एक एपिसोड में। रॉ में उन्होंने ट्रिपल एच को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत ली। रॉक को रेसलिंग में 4 नाम मिल चुके हैं, सबसे पहले ड्वेन जॉनसन, फिर फ्लेक्स कवाना, उसके बाद रॉकी मालविया और अभी जो उनका नाम है द रॉक। उसी तरह रोमन रेक्स को भी रेसलिंग में 3 नाम मिल चुके हैं, उनका पहला नाम था लिकी, दूसरा रोमन लिकी और तीसरा जो अभी उनका नाम है रोमन रेक्स। रॉक ने रॉयल रंबल साल 2000 में जीता था और रोमन रेक्स ने रॉयल रंबल साल 2015 में जीता था। दोस्तों, यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि रोमन रेक्स जब रॉयल रंबल में बिग शो और केन मिलकर मार रहे थे तो रोमन रेक्स की हेल्प करने उनके कजन द रॉक ही आए थे। रॉक ने अपने करियर में 3 बार WWE की सुपरस्टार को हराया था रेसलमेनिया में और वो सुपरस्टार हैं स्टोन कोल्ड, हुल्क होगन और जॉन सीना। और वहीं रोमन रेक्स ने रेसलमेनिया जिनकी वजह से जाना जाता है उन्हें हराया था और वो सुपरस्टार हैं द अंडरटेकर। रोमन रेक्स ने ब्रॉक लेसनर को सिंगल्स मैच में हराया था समरस्लैम 2018 में, लेकिन रॉक ब्रॉक लेसनर को सिंगल्स मैच में नहीं हरा पाए थे जब इन दोनों का मैच हुआ था समरस्लैम 2002 में। रॉक ने WWE में 8 बार WWE चैंपियनशिप, 2 बार WCW चैंपियनशिप, 2 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और 5 बार टैग टीम चैंपियनशिप भी जीती है। और वहीं रोमन रेक्स ने WWE में 1 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, 1 बार टैग टीम चैंपियनशिप, 1 बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, 3 बार WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप और 1 बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी जीती है। रोमन रेक्स ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी है, लेकिन रॉक ग्रैंड स्लैम चैंपियन नहीं है क्योंकि रॉक ने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप नहीं जीती थी। रॉक के सिग्नेचर मूव का नाम है स्पाइन बस्टर और उनका 2 फिनिशर मूव है जिनके नाम है रॉक बॉटम और पीपल्स एल्बो। रोमन रेक्स के सिग्नेचर मूव का नाम है सुपरमैन पंच और उनके फिनिशर का नाम है स्पीयर। दोस्तों, आपको क्या लगता है, रोमन रेक्स के स्पीयर ज्यादा स्ट्रांग है या फिर रॉक का पीपल्स एल्बो? कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा। रोमन रेक्स की शादी 2014 में गलीना बेकर से हुई थी और उनके 3 बच्चे हैं। और रॉक की शादी 1997 में डेनी गार्सिया से हुई थी, लेकिन उनका डिवोर्स हो गया 2007 में। रॉक के भी 3 बच्चे हैं। रोमन रेक्स का नेटवर्थ है $4.3 मिलियन जो कि इंडियन रुपीज में होते हैं 30,10,64,500 रुपए। और वहीं रॉक का नेटवर्थ है $280 मिलियन जो कि इंडियन रुपीज में होते हैं 1,948,22,88,000 रुपए। रॉक का नेटवर्थ इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ WWE में बहुत साल काम किया था बल्कि वो आज की डेट में हॉलीवुड के भी बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। और रोमन रेक्स का करियर 2012 से ही शुरू हुआ है, इसलिए उन्हें अभी ज्यादा साल नहीं हुए पैसे कमाते हुए। रोमन रेक्स WWE के बिग डॉग हैं और रॉक WWE के ब्रामा बुल हैं। दोस्तों, रोमन रेक्स और रॉक का आज तक कभी मैच नहीं हुआ, लेकिन अगर इन दोनों का मैच होता है तो उस मैच में आपके हिसाब से कौन जीतेगा कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये था रोमन रेक्स और रॉक का फुल कंपैरिजन। अब आप ही तय करिए कि इन दोनों में से कौन है बेस्ट और कमेंट से मुझे ये बताइए कि अगला कंपैरिजन वीडियो आप कौन से 2 सुपरस्टार की देखना पसंद करोगे। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करिएगा और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।